लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे बहुत डर लग रहा है, किसी ने आवाज पहचान ली तो? देख पिंकी, तो डर मत, कुछ नहीं होगा। फोन लगा और मैं हूं ना तेरे साथ, मेरा मतलब मोंटो भाई, शेरू, हम सब हैं तेरे साथ। घंटी जा रही है। हेलो हेलो सर, सर मैं TDRCF बैंक से सुमन बोल रही हूँ। अरे मैडम, कोई लोन फोन नहीं चाहिए, सॉरी, और कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेना है, हम काट रहे हैं फोन। सर सर एक मिनट, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आपकी सैलरी जो हर महीने आपके अकाउंट में आती थी, वो इस महीने नहीं आ पाएगी। अरे कैसी बात कर रही है मैडम, क्यों नहीं आएगी? एक मिनट रुकिए मैडम। हेलो, हाँ मैडम, क्यों नहीं आएगी सैलरी हमारे अकाउंट में? हम तो पूरा महीना ड्यूटी किए। सर आपने पूरे महीने ड्यूटी तो की है, लेकिन आपने अपने बैंक अकाउंट का KYC अपडेट नहीं करवाया। अरे कैसी बातें कर रही है मैडम, हमने 5 साल पहले ही KYC अपडेट करा दी थी, जरा ठीक से चेक करिए ना आप। सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर 3 साल में दोबारा से KYC अपडेट करवाना होता है। अच्छा, तो हम एक काम करेंगे, हम कल बैंक जाकर KYC अपडेट करा देंगे मैडम। सर आप ऑलरेडी 2 साल लेट है, मुझे आपका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा अगर आपने तुरंत अपना KYC अपडेट नहीं करवाया तो, और फिर बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। अरे 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 मैडम सुनिए, हम आज ही जाकर KYC अपडेट कर देते बैंक में। लेकिन सर आज तो बैंक बंद है। तो फिर कैसे होगा मैडम? सर आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, तो मैं आपका KYC ऑनलाइन अपडेट कर देती हूँ। आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर तो पता ही होगा। हाँ हाँ मैडम, एक मिनट रुकिए। लिखिए 6678763490070। सर पैन कार्ड? हाँ मैडम, पैन नंबर जी मैडम, VLUPS161R। सर अब आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए। बैंक नंबर वो तो आपको पता होगा ना मैडम। सर ऐसे तो हमें सब कुछ पता है, लेकिन आप ही गोवर्धन है, उसके लिए ये सब कंफर्म करना जरूरी है हमारे लिए। क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर लेके आपके फोन से कोई हमसे और बात कर रहा हो, इसलिए अकाउंट वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। हाँ ये भी ठीक है। लिखिए मैडम जी, 3475 68। सर आपको अभी एक OTP आएगा आपके फोन पर, उस OTP को आपको अपने अकाउंट नंबर के साथ जोड़कर हमें टोटल बताना है। लेकिन याद रहे आपको अपना OTP हमें नहीं बताना है। OTP अकाउंट में ऐड करके? मैं कुछ समझा नहीं मैडम, ऐसा क्यों? सर बैंक ने कस्टमर के अकाउंट की सुरक्षा के लिए ये नया सिस्टम शुरू किया है, ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। हाँ ठीक है ना, ठीक है, एक मिनट रुकिए दे रहा हूँ। हाँ मैडम लिखिए, 3045। थैंक यू सर। यस, शाबाश पिंकी, शाबाश। ये OTP देने का 30,000 रुपए कैसे कट गए? इन लोगों ने तो भाई, वाह भाई, मजा आ गया, सच में दिन बना दिया आज हम सबका। सीखो कुछ सीखो गोलू शेरू, पिंकी से कुछ सीखो। पहले दिन 30,000 की कमाई की इसने, मजा आ गया। ये भी ना बात क्या बात कहते बड़े बाबू, बड़े बाबू जरा सुनिए, बड़े बाबू बात सुनिए, बड़े बाबू, बड़े बाबू। अरे
गोवर्धन ये देखो ओटीटी वाले भी क्या कमाल की चीज लेकर आते हैं। ओटीटी पता है ना, ओवर द टॉप, फिल्म हो या सीरियल क्या बनाते हैं मजा आ जाता है। अरे वो सब छोड़िए बड़े बाबू, ये देखिए, ये देखिए जरा। अरे घबरा क्यों रहे हो? अरे ये देखिए क्या हुआ हमारे साथ। क्या देखें इसमें बताओ? ये देखिए। अरे अब देखना क्या है इसमें बताओ, 30,000 रुपए निकले उसका मैसेज आया तुम्हारे पास, हम पैसे निकालते हैं हमारे पास भी यही मैसेज आया। अरे लेकिन ये मैसेज हमारे पैसे निकाले बिना आया बड़े बाबू। अरे अरे हमने पैसा ही नहीं निकाले बड़े बाबू, अरे हमारे साथ कोई फ्रॉड हुआ है बड़े बाबू, जरा देखिए ना। कैसा फ्रॉड, पूरी बात बताओ। सर आपको अभी एक ओटीपी आएगा आपके फोन पर। हाँ मैडम लिखिए, 3045। तो टोटल बिजनेस हुआ है 30,000 रुपए का, तो 10% के हिसाब से तुम्हारे बनते हैं 3,000 रुपए। अरे लो भाई क्या हुआ? सिर्फ 3,000 रुपए, बिजनेस तो पूरा 30,000 का हुआ है और मेरे हिस्से में सिर्फ 3,000, तो बाकी के 27,000 कौन हजम कर रहा है? देख यहाँ पे तुम अकेले नहीं हो, यहाँ पे और भी लोग हैं, तो हिसाब तो सबके अंदर बराबर बराबर बटेगा। एक आदमी जो सब कस्टमर्स की बैंक डिटेल्स लेकर आता है, दूसरा आदमी इसके बैंक अकाउंट में पैसा जाता है, तीसरा आदमी जिसका ये ऑफिस है, और चौथा आदमी जिसका दिमाग लगा है इस पूरे स्टार्टअप में। एक झटके में 30,000 रुपए निकल गए बाबू। तुमको 1,000 बार समझाया है कि ओटीपी किसी के साथ फोन पर शेयर नहीं करना चाहिए, पूछने वाला चाहे जितना भी करीबी हो, चाहे अपनी वाइफ क्यों ना हो, नहीं बताना चाहिए। लेकिन हम ओटीपी दिए ही नहीं बड़े बाबू। यार ओटीपी शेयर किए नहीं तो तुम्हारे अकाउंट से पैसे कैसे कट गए? अरे वही तो नहीं समझ रहा हमको, वो लड़की का फोन आया, उसने हमसे कहा कि अकाउंट के साथ ओटीपी जोड़कर टोटल बता दो, बस वही बताया हम उसको। बस यार नाम गोवर्धन है, खुद गोबर रह गए और धन किसी और को दिया। मतलब देखो उन्होंने तुमसे अकाउंट नंबर पूछा, फिर तुमसे उन्होंने कहा अपना ओटीपी नंबर अकाउंट नंबर के साथ ऐड करके टोटल बताओ। हाँ। तो अकाउंट नंबर टोटल में से माइनस कर दो, ओटीपी निकल आएगा, और उन फ्रॉडियों के लिए कोई बड़ी चीज है क्या? समझाते हैं, रुको। ये देखो ये है तुम्हारा 10 नंबर का अकाउंट नंबर, ठीक है, और इसमें आखिरी में देखो 111। हाँ। तुम्हारा ओटीपी जो तुमने बताया था उसको हम करते हैं इसमें ऐड। अब अकाउंट नंबर हमको पता है, फिर इसमें से अकाउंट नंबर कर देते हैं माइनस। भाई साहब ये तुम सोचे नहीं, मतलब ट्रिप्लेक्स पे कैसे ही नाटक आ रहा था, उसमें भी फ्रॉड हुआ था जो तुमसे बिल्कुल मिलता जुलता था, तुम भी देखे होते ट्रिप्लेक्स, फ्रॉड से बच जाते। वो सब ठीक है बड़े बाबू, लेकिन अब क्या करें वो बताइए ना। अब करें क्या, ये मोबाइल पकड़ो अपना, चलो पुलिस के पास चल के कंप्लेंट करते हैं, वैसे ये लोग होते बड़े शातिर हैं, पैसे मिलने की उम्मीद तो ना ही रखो। आओ फिर भी चलो देखते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। सर ऐसे कैसे पैसे काट लिए हमारे, थोड़ा देखा करो ट्रिप्लेक्स वगैरह। पिंकी तू इतना गुमसुम क्यों है आज? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी पहली कमाई जो हुई है। तुम्हारी कार का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा ना, इसलिए मूड ऑफ है। कार एसी? ओ मैडम ये बाइक है और बाइक में ना एसी नहीं होता। वही तो समझाना चाहती हूँ कि आज कार के बारे में सोचोगे ना तो जाके कर ले पाओ, वरना जिंदगी भर ऐसी मोंटू भैया की गुलामी करते रहोगे 10% की कमीशन पर। यार पिंकी तो फिर से शुरू हो गई, देखिए बिजनेस ना मोंटू भैया ने शुरू किया है और इसमें नियम भी मोंटू भैया के ही चलेंगे ना। लेकिन गोलू सबसे बड़ा काम तो हम करते हैं मछली फंसाने का, वरना मोंटू भैया प्रवचन देने के अलावा करते ही क्या। यार पिंकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तू क्या कह रही है। तू पहले मम्मी कसम खा, तू मेरा साथ देगा? हाँ हाँ पिंकी मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन बात तो बताना। तो पहले मम्मी कसम का फिर बताऊं। अच्छा मम्मी कसम बस।
देखो गोवर्धन, पुलिस जो करेगी सो करेगी। तुम एक काम करो, कल बैंक खुलते ही बैंक जाओ और वहां कंप्लेन करो। यार तुम्हारा ना पैसा वापस मिलने की उम्मीद ना ही समझो। अरे बड़े बाबू, ये क्या बात कर रहे हैं आप? काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाते हैं ना। हाँ। अरे देखिए, आजकल फ्रॉडियों ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है। ये आपसे अकाउंट नंबर पूछते हैं, ओटीपी नहीं मांगते हैं, लेकिन अकाउंट नंबर के साथ आपको ओटीपी ऐड करने को बोलते हैं और फिर उसका टोटल पूछते हैं और ये अपने आप ओटीपी जान लेते हैं। इन फ्रॉडियों के झांसे में ना आए, मुझे शेयर करें और लाइक करें। ये देखो, ये वीडियो बन गया, अब ये गया सोशल मीडिया पर पोस्ट। लो काम हो गया। यहाँ हमें 30,000 रुपए की चपत लग गई और बड़े बाबू हम पर ही वीडियो बनाकर अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं। तीन हजार कमाने की भी कोई खुशी होती है? मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब दिन के 30,000 की कमाई होगी, तब होगी असली पार्टी, चिल्ड बियर और चकने के साथ। यार पिंकी तो मोंटू को जानती नहीं है, अगर उसे पता लग गया ना हम अलग से काम शुरू कर रहे हैं, फिर भड़क जाएगा वो। मान ले अगर हमने नया काम शुरू भी कर लिया और वो आगे जाकर नहीं चला, तो वो फिर से हमें काम पर भी नहीं रखेगा। यार मुझे तो लगता है ना ये सब सोचना ही बेकार है, कि मोंटू को शक भी हो गया ना कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, भाई छोड़ेगा नहीं वो किसी को। सही बात है यार, पता तो उसे तब चलेगा ना जब उसे कोई बताएगा। जब हमारा काम अच्छे से चलने लगेगा तब वो मोंटू से अलग हो जाएगा। यार पिंकी ये सब ना इतना आसान नहीं है, और तू जानती नहीं है मोंटू कितना खतरनाक। शेरू तुझे याद है वो जीतू नाम का लड़का, क्या हुआ था उसके साथ बताई से? जीतू वही ना? हाँ भाई बिल्कुल याद है। पिंकी वो भी ना अपना अलग से काम शुरू करना चाहता था, मोंटू से अलग। छुपके क्या देख रहे हैं हम? इधर। और तू भी आ ना। और तुम दोनों भी ध्यान से सुनो, ये जीतू मुझे छोड़कर अपना अलग से काम शुरू करने जा रहा था, और कमाल की बात तो यह है कि मेरे ऑफिस में बैठकर। अब आगे तुम दोनों मेरी बात को समझ ही गए होंगे, है ना? जीतू अकेला था और हम तीनों साथ में। हम मोंटू से अलग काम शुरू करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। ये हुआ आपका 600 ग्राम। एक मिनट, अपना पत्थर उठाओ। उतारो उतारो। अरे इसको उतार देंगे तो तोलेंगे किससे? अरे हम बताते हैं ना कैसे तोलोगे तुम। ये उठाओ उठाओ, पत्थर उतारो। अब ये रखो। समझ में आया? 100 ग्राम कम था। नाम जानते हो हमारा? कैसे जानोगे, चोरी चपाटी जो करते हो। मेरा नाम है सुजान, मतलब होशियार, जिसे कोई बेवकूफ ना बना सके। चलो टमाटर तोलो, चलो। हेलो, आपने खाना खाया है कि नहीं? अरे खाना भी खा लिया और शाम की सब्जी भी खरीद रहा है। अच्छा सुनिए, इस शनिवार को आप आ रहे हैं ना लखनऊ? अब देखो होगा तो आ जाएंगे। अच्छा सुनो, वो तुमने देखा फ्रॉडियो ने नया तरीका निकाला है? हाँ हाँ देखा मैंने आपका वीडियो, बहुत अच्छा बना है। इनका बस चले तो लूट लेंगे ये सब।
हम लोगों को ही सतर्क रहना होगा, तभी हम लोग इन फ्रॉडियों से बच पाएंगे। आप भी ना क्या क्या बातें करते रहते। अरे हम सही कहते हैं भाई, वो क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। एक मिनट रुकिए, आपकी बात करवा दे। लो बेटा, आपसे बात करो। अच्छा पापा, वो OTT का पासवर्ड क्या है? बहुत बढ़िया मूवी आई, हमें देखनी है। अरे यार थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, पहले पढ़ाई लिखाई फिर ये फिल्म और नाटक। और ये वो OTT का पासवर्ड जो है तुम्हारी मम्मी के फोन पे मैसेज कर दूंगा, तुम देख लेना। लेकिन अभी पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है पापा। चलो ठीक, बराबर तौल रहे हो, चलो। पागल बनाते हो, अरे हमें सब पता है। अकाउंट नंबर से OTP ऐड करवाओगे, फिर तुम उस अकाउंट नंबर से घटा दोगे और OTP मिल जाएगा। तुम लोगों को और कोई काम धाम नहीं है, अगर दोबारा फोन किया ना फोन में घुस के मारूंगा। रख फोन। कमाई सब बंद हो गई है, कमाई कुछ होने रही है, और ये आजकल के कस्टमर भी बहुत शाने हो गए। देखिए मोंटू भैया, ये आदमी है वो जो हमारा सारा प्लान सोशल मीडिया पे बता देता है। देखिए भाई लोग, आजकल इन फ्रॉडियों ने फ्रॉड करने का नया तरीका निकाल लिया। ये आपसे अकाउंट नंबर पूछते हैं, OTP नहीं मांगते, लेकिन अकाउंट नंबर के साथ आपको OTP ऐड करने को बोलते हैं और फिर उसका टोटल पूछते हैं, और ये अपने आप OTP जान लेते हैं। तो इन फ्रॉडियों से बच के रहिए। इसी वजह से लोगों को सब पता चल गया और वो लोग सतर्क हो जाते हैं। एक काम करो तुम मेरा, एक नया प्लान बनाओ, और जो भी मुझे नई स्कीम देगा ना उसे पूरे 20% मिलेंगे। यही नहीं, बाकी सबकी कमाई से भी 10% एक्स्ट्रा। लग जाओ काम में। वो क्या कहते हैं, योर टाइम स्टार्ट नाउ। दूध से खोआ बनाए हम और मिठाई खाएं ये मोंटू भैया, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, योर टाइम इज अप नाउ मोंटू भैया। साले दोबारा फोन किया ना तो तू जहां पर है वहीं आकर मारूंगा, घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। भाई लोग सुनो ना, एक आइडिया है। मेरे पास भी एक आइडिया है, तो चलो ना मोंटू भैया को बताते हैं। अरे इस बार 20% मिलने वाला है। नहीं, 20% क्यों, पूरे 100%। अब हम हमारे अपने आइडिया पर काम करेंगे। गोलू तू तो यहाँ खड़ा है, तू ये पिंकी चैटिंग कैसे कर रही है? ले चल। सुजान शर्मा से। कौन है सुजान शर्मा? वही जिसने हमारी पूरी प्लानिंग का भांडा फोड़ दिया वीडियो बनाकर और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद से हमारी कोई कमाई नहीं हो रही। पिंकी तू ना इससे बात करके टाइम वेस्ट कर रही है, ये बेवकूफ नहीं बनने वाला। अगर इस जैसे डेढ़ शाने को बेवकूफ बना लिया ना तो समझ लेना कि हम मोंटू भैया से अलग भी काम कर सकते हैं। लेकिन पिंकी तू इसे बेवकूफ बनाएगी कैसे? पैसों के मामले में ना ये अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं करता। मछली जाल में फंस चुकी है। क्या, कैसे? मैंने उसके वायरल वीडियो पर कमेंट कर दिया कि मुझे अपने साथ हुए फ्रॉड की उसे कहानी सुना। तो नंबर मिला? हाँ, और मैं उसे 3 हफ्ते से बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अपनी फैमिली से अलग रहता है। क्यों फैमिली से अलग रहता? उसकी बीवी जॉब करती है लखनऊ में और उसे OTT के शो देखने का बहुत चस्का है, और उसका यही चस्का हमें हमारे मिशन में कामयाब बनाएगा।
बस अब थोड़े ही दिनों में इसका ही अकाउंट खाली करना है। बोलू? हाँ, खिड़की पर नजर गड़ाए रख। एक मोंटू भैया आते ही हो गए। अरे तू अपना काम कर, मैं खड़ा इसलिए हूँ यहाँ। देख शेर, बिल्कुल ऐसी ही वेबसाइट बनाना जो एकदम OTT टिकफ्लिक्स जैसी लगे, जिस पर सुजान बहुत सारे फिल्म्स और सीरीज देखता है। बहुत चस्का है उसको टिकफ्लिक्स ऐप का। और हाँ, याद रहे, वेबसाइट हूबहू असली लगनी चाहिए, ताकि जब वो टिकफ्लिक्स का रिचार्ज करने जाए तो उसके बैंक की डुप्लीकेट वेबसाइट खुले। समझा? तब समझ गया। और देखो, आधा काम हो भी गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर वो पेमेंट किसी और मोड से करता है, जैसे कि UPI या कार्ड से, तो तू उसकी टेंशन मत ले, उसकी भी दवाई है मेरे पास। तू बस अपने काम पे ध्यान दे। क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो? वो भैया वेबसाइट। ओ भैया, आजकल कोई अपना OTP नहीं बताता ना, इसलिए नया आइडिया पका रहे, एकदम सॉलिड वाला। अभी नहीं हुआ, जैसे ही हो जाएगा आपको बताते हैं। ये भी ना बात, शाबाश। इसे कहते हैं वक्त से तेज दौड़ना। पकाओ पकाओ, अच्छे से पकाओ। हाँ चल। क्या हुआ? ये बाइक क्यों रोक दी? पे कोल्लू वो देख सामने। भाई ये तो GT है। अरे इसको तो मोंटू ने हम दोनों के सामने गला कूट कर मार दिया था। पे वही तो शेरू, ये जिंदा कैसे है? यहाँ क्यों रुक गया? भाई इसे पता तो नहीं चल गया कि हम इसका पीछा कर रहे हैं? हो सकता है यार। अबे साला हट, गुटका थूकने के लिए रुका है। प्रणाम भैया जी, हम आपको फोन किए थे, आप फोन नहीं उठाए। क्या मोंटू भैया, एक दिन मरने का नाटक करवाने के बाद आप तो भूल ही गए जीतू को। कुछ काम आए तो बताना भैया। हाँ हाँ, ओके ओके भैया जी, ओके। अबे ये तो अपने ऑफिस के रास्ते जा रहे हैं, कहीं ये मोंटू भैया से तो नहीं मिलने जा रहा? ये पक्का वही जा रहा है ना? चल चल। तुम्हारे मोंटू भैया ना बहुत चालाक खोपड़ी है। तुम दोनों से अपना काम कैसे करवाना है ये अच्छे से जानते हैं, और तुम दोनों अपना अलग काम करने के बारे में सोचो भी नहीं, इसलिए तुम्हें डरा के रखा। चल गोलू, चल के उस मोंटू को सब बता देते हैं। क्या अब हमें उसकी सब सच्चाई पता चल चुकी है, और अब हम डरने वाले नहीं उससे। चल। अरे अरे, पागल हो क्या तुम दोनों? हाँ, उसकी गलत फहमी तो हमारी हेल्प करेगी। वो कैसे? मोंटू को लगेगा कि हम लोग उससे डरते हैं, इसलिए वो हम पर कभी शक नहीं करेगा हमारे अलग काम करने को लेकर। भाई वाह पिंकी, तू तो मोंटू से दो कदम आगे निकली। दो नहीं, चार। लेकिन पिंकी, अब डर खत्म, अब अपना मिशन पूरा करते हैं। लाइफ में जल्दी आगे बढ़ना है ना, तो एक कदम नहीं, दो कदम आगे की सोचनी पड़ती है। वाह पिंकी, मान गए तुझे और तेरे दिमाग को।
तारीफ करना बंद कर और आज ही सुजान को मैसेज कर कि उसका ओटीटी का सब्सक्रिप्शन खत्म हो। ठीक है पिंकी। अरे हमने अभी कल ही पेट्रोल भरवाया 513 रुपए, और मेरा आप सबसे यही कहना है कि जब भी डीजल पेट्रोल भरवाएं तो राउंड फिगर में मत भरवाइएगा। अरे कुछ सेटिंग रहती है, छेड़छाड़ करते हैं लोग। और हाँ, पेट्रोल और डीजल भरवाते समय वो जो लड़का जो पेट्रोल में पंप लगाता है ना, वो उसको बोलिए कि वो हाथ हटा ले। अरे भाई जब सब कुछ ऑटोमेटिक है तो हाथ क्यों लगाए, वो अपने हाथों से छेड़छाड़ करता है। बात समझ में आई आपको? अच्छा अगर नहीं समझ में आ रही है तो कल मैं खुद पेट्रोल पंप जाकर एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोग उसे लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट भेजिएगा, ठीक है जी। अरे सब्सक्रिप्शन अभी खत्म नहीं हुआ है और मैसेज आने शुरू हो गए, 10 दिन बाकी हैं। अरे घर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पैसों का क्या हुआ, कुछ पता चला? कहाँ बड़े बाबू, चपत लग गई 30,000 रुपए की। बीवी रोज ताने मारती है, गधे से भी बड़े वाले गधे हो तुम। अरे बड़े बाबू आप, यहाँ बैंड बजी हुई है हमारी और आप मजे ले रहे हैं। अरे मजे नहीं ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात बताए, तुम कमबख्त काम ही ऐसा क्यों? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इन जालसाजों की दुकान चल रही है, तुम्हारे जैसे। अरे हमारे जैसे लोगों की वजह से क्या मतलब है आपका? नहीं क्या मतलब है आपका, हम गधे हैं, बेवकूफ हैं हम, उल्लू के पट्टे हैं हम। तुम हो सूतिया। सूतिया? सूतिया का क्या मतलब होता है? जो हम शब्द बोल रहे हैं ना, थोड़ा मर्यादा में बोल रहे हैं, थोड़ा सोचो और समझ जाओगे। अरे बाबू देखिए, हम इतने भी बड़े वाले सूतिया नहीं है, और आप एक बात याद रखिए, जिस दिन आपके साथ ऐसा कुछ होगा ना, हम आपको भी सूतिया बोलेंगे और आप बुरा मत मानिएगा उस दिन। अरे हमारे साथ कभी नहीं होगा, कभी नहीं। यार अब तक उस सुजान ने SMS पे भेजे हुए लिंक पर क्लिक तक नहीं किया है। रुक, उसका नंबर भी लिया है मैंने, बोलो तेरा फोन। अरे कौन है? हेलो। हेलो सर, आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है टिकफ्लिक्स ऐप का, सेवा जारी रखने के लिए तुरंत रिचार्ज करें। अरे नहीं मैडम, अभी 10 दिन बाकी हैं। एक मिनट सर, मैं चेक करती हूँ। सर 10 दिन नहीं, 9 दिन बचे। कंपनी ने आपको एक लिंक भेजा है SMS द्वारा आपके फोन पर, उस लिंक पर क्लिक करके आप रिन्यू करते हैं तो आपको 1 महीना बिल्कुल फ्री मिलेगा टिकफ्लिक्स ऐप देखने के लिए। सॉरी मैडम, मुझे अभी रिचार्ज नहीं कराना है, और जब मुझे लगेगा मैं करा लूंगा। और वैसे भी टिकफ्लिक्स पे कुछ बचा नहीं देखने के लिए, जो कुछ था सब मैं देख चुका हूँ, और कुछ नया आएगा तो करा लूंगा रिचार्ज। पिंकी मुझे लगता है ना, इस जैसे शाने इंसान को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। हेलो। अरे सुनिए ना, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, अभी चाहिए पासवर्ड। अरे बेटा रुको ना, पूरे घर में इसने तोड़फोड़ मचा रखी है, सारा सामान इधर उधर फेंक रहा है। अरे क्या बात है मानी, बड़ी गुस्से में लग रही है। अरे ये इसकी ऐप है ना टिकफ्लिक्स, वो चल नहीं रही है, इस वजह से गुस्सा कर रहा है। अभी चाहिए मुझे पासवर्ड, अभी चाहिए दूंगी। यार वो आज ही सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, उसे समझा दो ना, मैं रिचार्ज करवा दूंगा, समझाओ उसको। मैं नहीं समझा सकती उसे कुछ भी, मैं फोन स्पीकर पे डाल रही हूँ, आप उससे बात करो। बेटा सुनो, ये पापा से बात करो पहले। अरे देखो देखो बेटा, गुस्सा नहीं करते, बात सुन मेरी, बात सुन मेरी, बात सुन, मैं आज ही सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवा देता हूँ टिकफ्लिक्स ऐप का, डन? ठीक है बाबा, थैंक गॉड मान गया है। मालिनी प्यार से बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। अरे फिर से टेंशन में आ रही है। ओके ओके चलो ओके। ये भी ना, सॉरी देर से रिप्लाई कर रहा हूँ, OTT का मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है। अगर 10 दिन पहले मैं रिन्यू कर लेता तो मुझे 1 मंथ का एक्स्ट्रा मिल जाता। शेरू तू जो नकली बैंक वाली वेबसाइट बना रहा है, उसका काम कहाँ तक पहुँचा?
बस भैया समझ लीजिए बन गई वेबसाइट। क्या बात है, क्या बात है, वाह मेरे शेर वाह। अच्छा एक बात बता, ये वेबसाइट बनने के बाद काम कैसे करेगी? भैया देखो, शेरू पिंकी और मैंने, हम तीनों ने बहुत मेहनत करके इस वेबसाइट को क्रिएट किया है, तो अब हमारा 20-20% तो बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग किसी को टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम बस ये बताओ ये काम कैसे करेगी। भैया ये तो ना आपको पिंकी समझा सकती है। क्यों पिंकी? अब मोंटू भैया मैं बताती हूँ, बहुत सिंपल है। ये लिंक जब हम अपने कस्टमर यानी अपने शिकार को भेजेंगे तो वो उसे टेकफ्लिक्स की असली वेबसाइट समझकर उसमें सारी डिटेल्स भर देगा। कस्टमर अपनी स्क्रीन पर जो भी डिटेल्स भरेगा वो सब हमें अपना हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाई देगा कि वो क्या डिटेल्स भर रहा है। उसके बाद? उसके बाद हम बैंक की असली वेबसाइट खोलकर उसमें सारी डिटेल्स भर देंगे और कस्टमर जो नकली वेबसाइट पर ओटीपी डालेगा वही ओटीपी हम असली वेबसाइट पर डाल देंगे और उसके बाद सारे पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश मोंटू भाई, तुम तीनों को सलाम करता है। और मोंटू भैया इसमें सबसे आसानी से वो लोग फंसेंगे जिनको ओटीटी प्लेटफॉर्म का चस्का लगा है। ठीक है, तो मैं ओटीटी देखने वालों का पूरा डेटा निकालता हूँ। क्यों सही कहा ना मैंने? ठीक है मोंटू भाई। मोंटू भाई यार आओ ना, आपको बाहर बढ़िया सी चाय पिला के लाता हूँ। ऑफिस में बैठे बैठे सर घूम रहे हैं। और वो आपने कहा था ना नई वाली ऑफिस के लिए जमीन देखनी है, जमीन मैंने देख ली है, आओ आपको लेकर के लाता हूँ। चल चल ठीक है। अच्छा गुड, ऐसे काम करो। शीरू अपना फोन दे, सुजान को फोन करना है। हेलो हेलो सर, मैं ओटीटी ऐप टेकफ्लिक्स से बोल रही हूँ। अरे मैडम अच्छा हुआ आपका फोन आ गया, मैं आपको फोन करने ही वाला था। एक्चुअली एक जानकारी चाहिए थी। हाँ जी सर बताइए, क्या जानकारी चाहिए थी? ओ मैडम आपका फोन आया था ना कि अगर मैं सब्सक्रिप्शन अभी करता हूँ रिन्यू तो एक महीने का एक्स्ट्रा ऑफर, वो चल रहा है ना वो फ्री वाला। सर आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, आपको कैसे नाराज कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो ऑफर अभी ऑन कर देती हूँ। सर मैं आपको एक लिंक मेल कर रही हूँ, प्लीज अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, एक देख मैं। हाँ बताइएगा। हाँ मैडम मेरा मेल आईडी है sujan@1-2-3। थैंक यू सर अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए। सर आप अपना पेमेंट कैसे करना चाहेंगे, यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग से? मैं यूपीआई से कर देता हूँ। सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अपना पेमेंट अपने TRDCF बैंक की नेट बैंकिंग से करते हैं तो आपको 20% कैशबैक मिलेगा। क्या 20%? अरे तो मैं नेट बैंकिंग से ही पेमेंट कर देता हूँ। जी सर। अरे मोंटू भाई कहाँ जा रहे हो? भाई गाड़ी की चाबी तो ऑफिस में रह गई है, जमीन देखने के पैदल जाएगा। रुक जा आता हूँ मैं। अरे मैडम ये मेरे अकाउंट से 2,00,000 रुपए कैसे कट गए? सर आपने वो कहावत तो सुनी होगी, क्या ना करो ईटिंग पॉटी। मैडम देखिए मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, आप जो कोई हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। देखिए अंजाम बुरा होगा मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं आप सबकी कंप्लेंट करूंगा पुलिस में।
कर दीजिए ना। आप जैसा डेढ़ शाना आदमी इतना बड़ा बेवकूफ बन गया, सबको पता चल जाएगा, कितनी बदनामी होगी, है ना? और वैसे भी पैसे तो आपको वापस मिलने नहीं वाले। हेलो, फोन काट दे। यार, शेरू का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? पिंकी के नंबर पे ट्राई करता हूँ। हेलो हेलो, शेरू मोंटी ऊपर आ रहा है यार। क्या मर गए? क्या हुआ? तुम दोनों मुझे देखकर कुत्ते की तरह क्यों जम गए? कुछ नहीं भैया, वो वेबसाइट को और अच्छा बना रहा था मैं। क्यों पिंकी? ठीक है, अच्छे से कर रहा हूँ। वैसे भी ये कुछ देख लेता या इसे सब पता चल जाता तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। वैसे एक बात बताइए बड़े बाबू, आप कैसे बेवकूफ बन गए? मेरा मतलब ये है कि आप तो वीडियो बना बनाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। अरे भैया, जब समय खराब होता है ना तो बुद्धि बंद पड़ जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, सब मामला गड़बड़ हो जाता है। अब क्या करेंगे? क्या बताएं? मतलब हम आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो आप घबराइए मत। चलो बैंक चलते हैं, जैसा पुलिस वाले कह रहे हैं वैसा तो कर ही लेते हैं। आओ आओ, गाड़ी नहीं सर। अरे ताला क्यों लगा है? सर बैंक तो बंद है आज। ले लो, पुलिस वालों के पास जाओ तो पुलिस वाले कहते हैं बैंक जाओ, पैसे की रिकवरी जल्दी होगी। और यहाँ बैंक ही बंद। अरे अरे बाबू, काम कीजिए ना, वो बैंक के कस्टमर केयर को फोन लगाइए ना, क्या पता समाधान मिल जाए। ये भी काम कर ही लेते हैं। आओ, कहो बड़े बाबू। अरे घंटी जा रही, कोई उठा नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहे थे। फिर लगाएं? एक कस्टमर केयर वाले भी पता नहीं सीट छोड़कर कहां चले जाते, घंटी बजती रहती। कस्टमर केयर का काम होता है कस्टमर के कष्ट हरना, और ये सबसे ज्यादा कष्ट यही साले देते। अरे अब हेलो। अरे वैभव क्या कर रहा है, बात कराओ। गुस्सा करके सो गया है। क्यों? कह रहा था कि पापा ने अभी तक ओटीटी का सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं करवाया और उसने गुस्से में खाना भी नहीं खाया। और ऊपर से मैं एक घंटे से आपका फोन मिला रही हूँ, आपका नंबर बिजी जा रहा है, कहाँ गप्पे लड़ा रहे थे? तुम्हें लगता है कि मैं इतना फालतू आदमी हूँ कि घंटे भर मैं गप्पे लड़ाऊंगा फोन पे? अरे भड़क क्यों रहे हैं,
हमने तो मजाक में ही कह दिया और आप गुस्सा हो रहे हैं। अरे तुम बातें ऐसे कर रही हो, कस्टमर केयर पे फोन कर रहा था और वहाँ फोन उठ नहीं रहा है। तुम फोन रखो, मैं दोबारा वहाँ फोन करता हूँ। अरे मेहनत के 2 लाख गए मेरे, 2 लाख। 2 लाख? सर आपका स्वागत है। हेलो। हाँ अरे अरे ये स्वागत छोड़िए, आपका कोई फोन ही नहीं उठाता। मैं सुबह से फोन लगा, अरे मैं सुबह से फोन लगा और आप मेरी बात सुनिए पहले, और कोई फोन ही नहीं उठाता बैंक में। आप सर आपको हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं, बताइए सर आपकी क्या शिकायत है? अच्छा देखिए, मेरे साथ 2 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, समझ रही हैं आप? मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपने सिस्टम पे चेक कीजिए कि मेरे अकाउंट से जो पैसे निकले हैं किस अकाउंट में गए और उनकी रिकवरी की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, प्लीज चेक करिए आप। सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी सर्वर डाउन होने की वजह से मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा। अरे तो मेरी कंप्लेंट तो रजिस्टर कीजिए आप। अभी शिकायत भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। अरे हेलो, सर्वर डाउन है, शिकायत भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। 2 लाख रुपए? ये लीजिए पूरे 2 लाख है। थैंक यू। ये आपका 10%, 20,000। थैंक यू सर। थैंक यू। ये पैसे। यस। यस। भाई वाह पिंकी, मजा आ गया। मोंटू से अलग काम करने का तेरा फैसला बिल्कुल सही था। साला यही काम मोंटू के लिए करते तो 10,000 हमें पकड़ा देता और बाकी के खुद रख लेता। गोलू तू सही कह रहा है, अभी कम से कम सबके हिस्से में 60,000-60,000 रुपया तो आए। अरे अब ये क्या है यार, OTT सब्सक्राइबर्स का नया डाटा। अब भाई नया शिकार भी तो फंसाना है। लेकिन उससे पहले पार्टी चाहिए, 50% खर्चा मैं करूंगा यार। पिंकी मुझे एक बात नहीं समझ आई। क्या? पार्टी का 50% खर्चा करूं मैं और तू जप्पी इसको दे रही है? बुद्धू ये जप्पी पार्टी के लिए नहीं है। तो मैं और गोलू मिलकर कम से कम एक नई ना सही ठीक ठाक सी सेकंड हैंड एसी कार तो ले ही सकते हैं, ये उसके लिए। ओ अब समझा, ले लो ले लो।